हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू IITian एक्सपीरियंस। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, रिएजेंट की पूरी एक सीरीज आने जा रही है और हम इसमें बात करने जा रहे हैं उन रिएजेंट्स की जो कि जेईई मेंस, नीट, एडवांस, बिटसेट, केमिस्ट्री ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंसेप्चुअल है। चूंकि आपको पता है रिएजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन पिलर होता है जिसके ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी बेस्ड होती है। अगर आपको रिएजेंट नहीं आता है तो आप इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को कभी भी क्रैक नहीं कर सकते हैं। वैसे भी मैंने आपको जेईई मेंस जनवरी एनटीए पेपर के एनालिसिस में डिटेल में बताया था कि 70% क्वेश्चन रिएजेंट बेस्ड थे, तो रिएजेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर। तो आपको रीजन को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस सीरीज के अंदर हम कुछ ऐसे रीजन की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा वाइटल और इंपैक्टिंग आपके इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए होंगे। तो चलिए आज एक नए रीजन को समझते हैं, सीखते हैं और इस माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी से एक-एक रीजन को पिकअप करके उसको डिटेल में एनालिसिस करना आपके लिए आसान नहीं है। इस काम को IITian एक्सप्लेन आपके सामने बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने पेश करने जा रही है। तो चलिए इस लेक्चर को एक नई ऊर्जा और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो रिएजेंट हमने सबसे पहले लिया है ये जेईई मेंस और मेडिकल के लिए सबसे ज्यादा कॉमन रिएजेंट है। आप ऐसा बोल सकते हो कि इस रिएजेंट के बिना हमारा पेपर ही इनकम्प्लीट होता है। और इस रिएजेंट को इस जनवरी वाले जेईई मेंस के अंदर फ्रिक्वेंटली पूछा गया, हर एक स्लॉट के अंदर, आठों स्लॉट के अंदर चारों दिन ये कहीं ना कहीं यूज किया गया है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा कॉमन रिएजेंट है। इसको हम माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक एक्सपेंड करके आपके पास प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो तैयार रहना। तो आप समझ ही चुके हो, रिएजेंट हमारे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको हम शॉर्टकट में LAHB बोलते हैं। नाउ समझना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सुनते साथ आपके दिमाग में चार बातें छप जानी चाहिए, फोटो की जैसे टप 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 आ जानी चाहिए। चार अलग अलग दिमाग आपका टैब खोल लेना चाहिए। वो क्या क्या है? अगर सिर्फ आपको ये लग रहा है कि एक नॉर्मल सा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कुछ फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करने में काम आता है, तो आपकी तैयारी उस थ्रेशोल्ड वैल्यू तक नहीं है जितना आज के इस कंपैरिजन के टाइम में होनी चाहिए। तो पहली बात, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो बेटा, सबसे पहली बात, ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट H- आयन जेनरेटर है। ये न्यूक्लियोफिलिक जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ये H- आयन को जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, पहली बात। दूसरी बात, ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा तभी काम करता है जब इसके सामने कोई पोलर मल्टीपल बॉन्ड आता है। दूसरी बात, पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को ही ये रिड्यूस करता है। इसका मतलब है सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड ओ, ETC, ये इस तरह के बॉन्ड्स को ही रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि यहां पर पोलैरिटी जनरेट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के वजह से। तो पहली बात, ये एक H- आयन जनरेटर होने के वजह से न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी बात, ये तभी बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है जब वहां पर पोलैरिटी होगी। ये पोलैरिटी इधर सी डबल बॉन्ड ओ की हो, सी ट्रिपल बॉन्ड एन की हो, एन डबल बॉन्ड ओ की हो, या सी डबल बॉन्ड एन की हो। तीसरी बात जो आपके दिमाग में चमकनी चाहिए, वो तीसरी बात ये है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट आइसोलेटेड नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता है। इसका मतलब है ये सी डबल बॉन्ड सी को रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि आइसोलेटेड मल्टीपल बॉन्ड है और ये नॉन पोलर है। ये एन डबल बॉन्ड एन को नहीं कर सकता, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी को नहीं कर सकता। मतलब ये इन बॉन्ड को रिड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। दूसरी बात चमकनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में इस बार ढेर सारे पूछे गए हैं जहां पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिया गया था, आपको रिड्यूस नहीं करना था। तो रिड्यूस करने के लिए एसेंशियल कंडीशन हो गया, पोलैरिटी होनी चाहिए, सब कुछ आपके पास लेक्चर में आने जा रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। दूसरी बात, अगर नॉन पोलर आइसोलेटेड बॉन्ड है तो रिड्यूस नहीं हो सकता है। अब आइसोलेटेड मैंने वो क्यों बोला, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मान लो कि अगर हमारे पास जो बॉन्ड है, मान लो CH डबल बॉन्ड CH CHO है, और अगर हम इसको रिड्यूस करने जा रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इथर और H3O+, ये क्या क्या मैं लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं सब बताऊंगा। तो ये इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, क्योंकि यहां पे C डबल बॉन्ड OH एक पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, ये तो रिड्यूस हो ही जाएगा। साथ ही साथ ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, आप देखो ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है फिनाइल के साथ, तो ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, अगर हमारा मल्टीपल बॉन्ड
नॉन पोलर है तो उस कंडीशन में ये रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर वही नॉन पोलर बॉन्ड लंबे एक्सटेंडेड कंजुगेशन में फिनाइल रिंग के साथ है या फ्यूरान के साथ है या थायोफीन के साथ है, उस कंडीशन में ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए सिनेमल्डिहाइड या सिनामिक एस्टर या सिनामिक एसिड के केस में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को ध्यान से आप यूज करना। दिस टॉपिक्स आर कमिंग सून, कुछ ही मिनटों के अंदर ये आपके पास आने जा रहा। तो तीन चीज हो गई। चौथी चीज, अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को जो कंपटीशन देने के लिए, जो टक्कर देने के लिए रिएजेंट है, इसी का छोटा भाई सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड मतलब NaBH4, इसको शॉर्टकट में NBH बोलते हैं, SBH नहीं NBH बोलते हैं। नाउ सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में याद रखो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड के कंपैरिजन में। बेटा इसका रीजन है कि एल्युमिनियम हाइड्राइड और जो बोरोन हाइड्राइड बॉन्ड होता है, इसमें से एल्युमिनियम हाइड्राइड बॉन्ड से बोरोन हाइड्राइड बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। मतलब दिस इज मोर स्टेबल बॉन्ड एंड दिस इज लेस स्टेबल बॉन्ड। तो लेस स्टेबल होने की वजह से ये बहुत प्यार से, सरलता से, सुगमता से, आसानी से H- आयन को डोनेट कर देता है। हालांकि इतनी आसानी से BH के बीच का H- डोनेट नहीं हो पाता है, इसीलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड के कंपैरिजन में। क्लियर है? इस पे भी डिटेल वीडियो आने जा रही है जस्ट कुछ लेक्चर्स के बाद। क्लियर? चार बातें क्या कहती, फटाफट मेरे साथ दोहराओ। पहली बात थी कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये हाइड्राइड आयन जनरेटर है, फटाफट H- जनरेट करेगा और ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये रिड्यूस कर सकता है सिर्फ पोलर मल्टीपल बॉन्ड को, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स में आपको दिखाया सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड ओ, इनको रिड्यूस कर सकता है। तीसरी बात, ये आइसोलेटेड नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं रखता है, मतलब सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी या एन डबल बॉन्ड एन, इस तरह के बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता है। ओके, ठीक है। चौथी बात, इसकी जो रिड्यूसिंग कैपेसिटी होती है, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ज्यादा बेटर होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड से। नोट में मैंने आपको एक बात बताया कि अगर आपके पास नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है और अगर वो कंजुगेशन में है फिनाइल रिंग के साथ या काफी एक्सटेंडेड कंजुगेशन के साथ है, उस कंडीशन में वो भी रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए सिनेमल्डिहाइड, सिनामिक एसिड या सिनामिक एस्टर के केस में सावधान रहना। क्लियर? तो किसी भी तरह का डाउट नहीं। एक लास्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जो कई बच्चों को लग रहा होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बेटा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा लिथियम प्लस और ये रहा एल्युमिनियम। तो यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और यहां पे माइनस। तो ये जो AlH4- है, यहां पर एल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और यहां पर एल्युमिनियम टेट्राहेड्रल शेप में होता है। तो जानकारी के लिए याद रखो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में एल्युमिनियम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये टेट्राहेड्रल होता है। बिल्कुल इंफॉर्मेशन फिट किया दिमाग में। लास्ट छोटी सी बात आपको और ऐड करना चाहता हूं, बनता कैसे है। बनाने के लिए आप धीरे धीरे प्यार से एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड में लिथियम हाइड्राइड का पेस्ट डालो। बनाने का मेथड है, हायर क्लासेस में जाओगे तो बनाओगे भी, लैब भी देखोगे। तो एक्चुअली है क्या बेटा, ध्यान से देखना, आपको एनहाइड्रस एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के अंदर लिथियम हाइड्राइड का पेस्ट डालना है, तब जाके ये बनता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और यहाँ से बनता है LiCl3, LiCl4, LiCl यहाँ पे H लगता है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा ये क्या होता है, दिमाग में छपने वाली बात चार, और हमने सीखा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और हमने सीखा बनता कैसे है। धीरे धीरे से, स्लोली धीरे धीरे ऐड करना लिथियम हाइड्राइड के पेस्ट में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड को, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉर्म होगा। किसी भी तरह का डाउट नहीं, कोई भी तरह का डाउट नहीं, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के वर्किंग प्रिंसिपल की, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये काम कैसे करता है। तो चलिए एग्जांपल के लिए फॉर एन इंस्टेंट हम मान लेते हैं कि हम कीटोन का रिडक्शन करवाने जा रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहली बात आप याद रखना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दो तरह से वर्क करता है। पहली बात कि यहां पे सबसे पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सॉल्यूब होता है और मॉइस्चर इसको नहीं चाहिए, क्योंकि हाइड्राइड आयन H- है, पानी CH+ लेके हाइड्रोजन गैस बना लेता है, इसलिए मॉइस्चर से दूर रखते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को। जनरली ड्राई ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में हम सॉल्व करके रखते हैं। दूसरी बात, उसके जस्ट बाद आपको हाइड्रोलिसिस करवानी है एसिडिक मीडिया में, HCl H2O लेना है, मतलब H3O+ को यूज करना है। तो बेटा ध्यान से देखना, हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल मैकेनिज्म की, ये आपका दिमाग खोल देगा, मेंटोस कांसेप्ट है, ध्यान से देखो। चलो हम समझते हैं
RC डबल बॉन्ड O और R डैश हमारे पास कीटोन है, ठीक है। अब हम लेते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, चलिए हम इसको प्यार से कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही है। अब होगा क्या, आपको पता है यहाँ पे डेल प्लस और यहाँ पे डेल माइनस है, तो अब क्या होने जा रहा है, यहां से हाइड्राइड जो होगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर की तरफ उठ के जाएंगे, यही क्लाउड वापस AlH3 को अट्रैक्ट करेगा। तो हुआ क्या हमारे पास, ध्यान से देखो, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहां से क्या हो जाएगा AlH3 माइनस और हो गया Li प्लस। बेटा यहां पे क्या हो गया है, हाइड्रोजन लग गया है, मैं हाइड्रोजन यहां दिखा रहा हूं और यहां पे हमारे पास आ गया है R डैश। ओके, अभी आप देखो ये तब हुआ जब एक एल्युमिनियम हाइड्राइड का एक ही हाइड्रोजन कंज्यूम हुआ है, अभी भी तीन हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेंगे, तीन नए कीटोन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होंगे। तो होगा क्या, बारी बारी से तीन बार कीटोन इसके साथ कनेक्ट होगा, तो हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ ऐसा, सी एच, यहां हो गया आर, यहां हो गया आर डैश, यहां हो गया ओ और यहां पे तीन और एक हो गए चार और यहां पे हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, ए एल माइनस और एल आई प्लस। तो हमारे पास ये एडक्ट फॉर्म होगा, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। कब, आप ध्यान से देखना, कई जगह क्या करते हैं, डायरेक्टली एच फिट कर देते हैं, एक्चुअल मैकेनिज्म जो है वो मैं आपके सामने दे रहा हूं। देखो, हाइड्राइड मैंने पहले अटैक किया इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, देन आफ्टर ये तीन हाइड्रोजन थे, तीन और मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हुए, फाइनली ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास फॉर्म हुआ। अब क्या होगा, इसके बाद आपको क्या करना है, HCl H2O के साथ इसको ट्रीट करना है, मतलब सीधी सी बात, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है। तो इस प्रेजेंट इस एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, यहां हो जाएगा H, यहां हो जाएगा R, यहां हो जाएगा R डैश और ये O रह गया और ये आ गया H। अब बेटा कंसेप्ट यहां पे खिलना चाहिए दिमाग में, वो क्या कि जो ये एक हाइड्रोजन आप देख रहे हो जो कार्बन से कनेक्ट है, ये आता है कहां से बेटा, आता है फ्रॉम रिएजेंट, ये आ रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्ट है, ये आ रहा है फ्रॉम मीडिया से, मतलब जो आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो या आप सॉल्वोलिसिस कर रहे हो वहां से आता है। इसका क्या मतलब है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लो बेटा अगर हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3 होता, MEK मिथाइल इथाइल कीटोन होता, और अगर हम यहां पे ले लेते लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूट्राइड D4 ले लेते और अगर हम यहां पे ले लेते HCl H2O, तो प्रोडक्ट क्या होता, अभी मैंने आपको मैकेनिज्म दिखाया, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कई बच्चे आप ऑप्शंस में देख के समझेंगे कि O के साथ D लगाएं या C के साथ D लगाएं। तो अभी मैंने आपको बोला O के साथ वो लगेगा जो मीडिया से आएगा, तो मीडिया से क्या H3O प्लस है, तो यहां से H आएगा और नीचे क्या आएगा, D आएगा, तो क्या बना CH3COH और यहां आ गया D और यहां से हो गया CH2CH3। किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं इसी को अगर ऐसे लिख देता, मान के चलो अगर हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 होता, अगर हमारे पास मान लो एसीटोन होता, हम डिटेल करेंगे, बहुत तरह की चीजें आने जा रही हैं, और अगर हम यहां पे यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इथर के प्रेजेंस में, और अगर हम यूज कर रहे हैं D3O प्लस, तो क्या बन जाएगा CH3C और नीचे देखो क्या आएगा H, O के साथ आ जाएगा D और यहां पे हो जाएगा CH3। तो भूलना मत, सॉल्वेंट से क्या आ रहा है, रिएजेंट से क्या आ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, अब मेरी बात को समझो, यहां पे जो स्टार्ट हुआ है, ये जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हो H माइनस आयन और इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के बीच में, ये डिपेंड कर रहा है चार्ज कितना स्ट्रांग था, हाउ मच स्ट्रॉन्गर इस चार्ज कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब देखो, जो जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो उतनी आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर मान लो हमारे पास एग्जामिनेशन में चार ऑप्शंस दिए गए और हमसे पूछा गया है कि बताओ कौन किसको सबसे बढ़िया आसानी से तेजी से फास्टली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा, जो जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो मैं आपके इस काम को आसान कर देता हूं, आपको मैं चार पांच क्या एक लिस्ट दे देता हूं, आप इसको दिमाग में डाल लो, फिट कर लो कि सबसे आसानी से वो रिड्यूस होता है जहां पर HI- का फास्टर अटैक हो, तेज अटैक हो, और तेज अटैक कहां होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होगा। बेटा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सबसे धमासान रिडक्शन होगा एल्डिहाइड का, देन आफ्टर होगा कीटोन का, याद करो, देन आफ्टर होगा एस्टर का, देन आफ्टर होगा अमाइड का, और सबसे लास्ट में होगा एसिड का। मैं इस पे बात करूंगा, क्यों, देखो सबसे पहली बात,
मेरे साथ पांच बार बोलो एल्डिहाइड कीटोन एस्टर अमाइड एसिड, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर अमाइड एसिड, एल्डिहाइड कीटोन एस्टर अमाइड एसिड, हो गया याद? कोई भी सवाल नहीं, दिमाग में सेट करो इस बात को कि आपको मैंने रीजन बता दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया और ये आपके सामने सीरीज दे दी है। सेट करना दिमाग में, अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, एक एक आपके पास एक कीटोन है, एक अमाइड है, एक एस्टर है और चारों में से पूछा जाए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबसे फास्टली किसको रिड्यूस कर पाएगा, आंसर होगा एल्डिहाइड को रिड्यूस कर पाएगा। सीरीज आपके पास है क्योंकि एल्डिहाइड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। बिल्कुल क्लियर, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है? नहीं है ना डाउट? ओके, नाउ अब एक चीज मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हालांकि ये एसिड को भी रिड्यूस करता है पर एसिड के साथ एक बहुत घनी समस्या है और वो समस्या क्या है समझना। देखो एसिड के साथ अगर हम ले लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड OH, तो यहां क्या होता है, आपको पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अभी अभी मैंने आपको बताया ये हाइड्राइड आयन जनरेटर है, मतलब H- आयन को जनरेट करता है, मतलब ये एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल बेस है। और जब ये पावरफुल बेस है और आपको पता है एसिड क्या करेंगे, ये एसिड H+ आयन जनरेट करेंगे, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को जब हम भेजेंगे कि भाई तू जा एसिड को रिड्यूस करके आ, ये अलग ही केमिस्ट्री उसके साथ बना लेगा, मतलब ये उससे H+ लेके अपना H- देके हाइड्रोजन गैस देना स्टार्ट कर देगा। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम एसिड को रिड्यूस करने जाएं आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो ये क्या करता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ए एल एच थ्री एल आई प्लस बना लेता है और हाइड्रोजन गैस देना स्टार्ट कर देता है, एच टू गैस। तो इसीलिए जब भी हम एसिड का रिडक्शन करवाते हैं तो हम पहले उसको एस्टर बना लेते हैं फिर रिड्यूस करते हैं, तो ज्यादा बढ़िया होता है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए जो मेडिकल में या जेई में या ओलंपियाड में पूछे जा सकते हैं, याद रखना कि एसिड का रिडक्शन, ये क्वेश्चन पहले भी कई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आ गया है कि एसिड का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जब हम करवाते हैं तो सबसे बेस्ट पाथवे क्या है। चार पाथवे दिए गए थे, डायरेक्ट रिडक्शन, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एस्टर देन रिडक्शन, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड देन रिडक्शन, कई पाथ थे, तो सबसे बढ़िया पाथ है फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एस्टर देन रिडक्शन करवाना, ज्यादा बढ़िया होगा। मैं आपको वो भी समझा देता हूं कि वो कैसे काम करेगा। देखो बेटा, अगर मान लो हम लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ, मान लो ओ आर डैश, हमने एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कर दिया, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आर डैश ओ एच एल्कोहल ले लेना, एस्टरीफिकेशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लाएंगे तो ये हो गया एच ए एल एच थ्री एल आई प्लस, एच माइनस आयन यहां पर अटैक करेगा और आपको पता है आर सी O माइनस, ये हो गया O R डैश और यहां से आके हाइड्रोजन लग गया। अब आपको पता है O R डैश बढ़िया लिविंग ग्रुप है, ये अंदर आएगा O R डैश को हटा देगा, तो माइनस O R डैश यहां से हो गया और आपके पास फॉर्म हुआ है R C डबल बॉन्ड O H। इसके आगे की कहानी आपको पता है, फिर से H माइनस आएगा, अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये हो गया R C H, एक और H लग गया, O माइनस मीडिया से लेके एल्कोहल फॉर्म कर लेगा। तो बढ़िया मेथड ये है कि एसिड को आप डायरेक्टली रिड्यूस ना करें, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो आपका एक कॉस्टली रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कंज्यूम हो जाएगा, हम इस काम के लिए इसको यूज नहीं कर रहे, हम इसको यूज कर रहे हैं कि भाई तू जाकर रिड्यूस कर, इसलिए यूज नहीं कर रहे कि तू जाकर हाइड्रोजन गैस बना। तो इसीलिए एसिड का रिडक्शन करवाने के लिए बेहतर आइडिया है कि आप इसको एस्टर में कन्वर्ट कर लें। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हैं, मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया है कि क्यों इसको एस्टर में कन्वर्ट किया जाता है। क्या क्या सीखा, मैकेनिज्म, हाइड्रोजन कहां से आएगा, ओ के साथ कौन सा हाइड्रोजन लगेगा, मीडिया का क्या रोल है, डिटेल में समझ में आ गया, मैकेनिज्म आप समझ गए, आप ये समझ गए कि ऑर्डर क्या होता है, सबसे आसानी से और सबसे दिक्कत के साथ रिडक्शन किसके साथ होगा, एसिड का डायरेक्ट रिडक्शन क्यों नहीं करवाया जाता, एस्टर क्यों बनवाया जाता है, बाकी सारी चीजें समझ में आ गई, किसी भी तरह का डाउट नहीं है, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट और मेन कंटेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो आज के लेक्चर का मेन क्रीमी लेयर है, जहां से सीधे क्वेश्चन आप बना सकते हो, डायरेक्टली ऑप्शन टिक कर सकते हो, वो शॉर्टकट मैं आपको देने जा रहा हूं कि ये किस किस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है। तो पहले मैं बात करता हूं कुछ ऐसे मेन फंक्शनल ग्रुप की जो आपको जेई मेंस और मेडिकल में सबसे ज्यादा दिखते हैं, ठीक है, क्लियर है? तो हम बात करेंगे ये क्या क्या कर सकता है, डिटेल मैकेनिज्म जस्ट कमिंग सून, लेकिन उससे पहले मैं आपको शॉर्टकट एक टेबुलर फॉर्म में दे देता हूं ये क्या क्या कर सकता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सबस्ट्रेट की और हम बात कर लेते हैं रिड्यूस्ड प्रोडक्ट की, ये क्या क्या करता है। सबसे पहली बात, ये एल्डिहाइड को बहुत प्यार से, मैं एक ही बार लिखूंगा बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, ये हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ईथर है और हमारे पास इसका हाइड्रोलिसिस या सोल्वोलिसिस हुआ है, जो भी मीडिया रखेंगे,
ठीक है, ये इसको कन्वर्ट कर देगा RCH2OH में। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं RCOR- कीटोन को यूज करते हैं, सेम कंडीशन रखेंगे, ये इसको सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा RCHOHR-। तीसरी बात, अगर हम यहाँ पर एसिड रखते हैं RCOOH, हालांकि ये बेहतर प्रोसेस नहीं है, एस्टर बनाना चाहिए, पर फिर भी अगर हम एसिड रखते हैं तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको RCH2OH में। अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं एसिड डेरिवेटिव RCOOR- तो देखिए क्या होगा, फिर से यहां से एक ये अल्कोहल, एक ये अल्कोहल, तो ये बन जाएगा RCH2OH प्लस बन जाएगा R-OH। नेक्स्ट हम आते हैं, हम यूज करेंगे RC डबल बॉन्ड OCl का, एसिड क्लोराइड का सेम रिडक्शन होगा, ये भी बनाएगा RCH2OH। मैं आपको ये जानबूझ के बता रहा हूं शुरू में अल्कोहल कौन कौन देंगे, ये आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट पे अगर हम यूज करें यहाँ पे इपॉक्साइड, यहाँ पे ट्विस्ट है मैकेनिज्म में, देखोगे ये काम कैसे करता है, ये रहा इपॉक्साइड, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। पहली बात, हाइड्राइड यहाँ अटैक करता है, ठीक है ना, और ये अल्कोहल बनता है सेकेंडरी, तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है, लेस हिंडर्ड पे अटैक करता है, तुम देखोगे इन चीजों को, RCHOHCH3 ये मेजर प्रोडक्ट है, और कुछ ही क्वांटिटी में RCH2CH2OH बनेगा, याद रखना ये मेजर होता है, ये हमारे पास माइनर होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है साइनाइड, साइनाइड के साथ थोड़ा सा केमिकल लोचा है, लोचा क्या है कि अगर हम यहां पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इथर और बाकी सेम कंडीशन रखते हैं, पर टेम्परेचर -55 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, तो ये बनाता है एल्डिहाइड, और अगर हम रूम टेम्परेचर पे RTP पे करवाते हैं इस रिएक्शन को, तो ये बनाता है RCH2NH2। क्लियर यहां तक? तो आप यहां से यहां तक देख पा रहे हो, ये अल्कोहल देने वाले केसेस थे। अब हम बात करते हैं कुछ अलग केसेस की, ध्यान देना। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है नाइट्रो, और आपको पता है नाइट्रो इस बार जेई मेंस के अंदर भी पूछा गया था, तो नाइट्रो में अगर हम सेम वैसा ही रिडक्शन करवाते हैं तो ये देता है अमीन। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, अगर मान लो यहां पर ARNO2 लेते हैं, जैसे कि नाइट्रो बेंजीन ले लेंगे, तो ये एनिलीन नहीं बनाता है, ये डाई बना लेगा, डाइजो डाई बना लेगा, ये रहा हमारे पास N डबल बॉन्ड N ग्रुप को सिंथेसिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, देखो ध्यान से देखो और इसको चिपका लो, जितने भी मैं ये टेबल बता रहा हूं इसको वॉल के सामने लिख के चिपका लेना इसको। नेक्स्ट हम आते हैं, कुछ और ग्रुप्स लेते हैं, जैसे कि मान लो जैसे R आइसोसाइनेट N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बिल्कुल वैसे ही, तो ये हो जाएगा NH और ये हो जाएगा क्या RNH और ये हो जाएगा CH3। बिल्कुल क्लियर है, 2 डिग्री अमीन बन रहा है। और भी कुछ केसेस लिए जा सकते हैं, बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मान लो हम लैक्टोन्स लेते हैं, लैक्टोन्स बोलते हैं साइक्लिक एस्टर को, जैसे कि मान लो हमने ये साइक्लिक एस्टर ले लिया, इसको डिटेल हम करेंगे कैसे काम कर रहा है, सेम वही केस है जैसा सब में हम केस यूज कर रहे हैं, लिथियम हाइड्राइड इथर और हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे क्या होगा, डायोल्स बनेगा, मतलब डायोल्स कहने का मतलब हो गया ये OH, दिस, ये हमारे पास लैक्टोन्स डायोल्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हैलाइड के पास, अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है RX, सेम रिडक्शन करवाएंगे तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास एराइल हैलाइड है, जैसे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन इस तरह के बेंजीन, अगर हम इसका रिड्यूस करवाएंगे तो ये एरीन्स देगा। बिल्कुल क्लियर, किसी भी तरह का डाउट नहीं है, तो इन सबको रिड्यूस करवा के हम देखेंगे। और भी कई केसेस हैं, अगर आप इसी तरीके से अमाइड को अगर रिड्यूस करवाते, देखो इधर एसिड डेरिवेटिव में मैंने अमाइड नहीं रखा था, अमाइड यहाँ है, अगर हम अमाइड को रिड्यूस कराएंगे RCONH2 को, तो ये बनाएगा RCH2NH2। आप अपने मर्जी से बहुत कुछ कर सकते हो भाई, RCO ये रख लेंगे, NHR रिड्यूस करवाएंगे तो फिर से वही हो जाएगा RCH2NHR-, अगर मान लो ये R- था। तो ये था ओवरऑल कंटेंट जो आपको याद रहना चाहिए, लेकिन अभी आपको अगर ये मुश्किल लग रहा है तो थोड़ा इंतज़ार करो, ये डिटेल अभी किया जाएगा तो ये काम और भी आसान हो जाएगा। ये मैं हट रहा हूँ, एक बार आप इसको नोट कर लो, ध्यान से देख लो, जितने भी टेबल्स में आपको बताएंगे ये कैसे कैसे रिड्यूस करता है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। कई बच्चों को लगता है कि एस्टर कैसे रिड्यूस होगा, लैक्टोन्स कैसे रिड्यूस होगा, नाइट्रो वाला कंपाउंड कैसे रिड्यूस होगा, साइनाइड कैसे रिड्यूस होगा, अमाइड कैसे रिड्यूस होगा, और एनाहाइड्रेट कैसे रिड्यूस होगा। ये सारी चीज़ों का सिंगल सॉल्यूशन ये टेबल है, आप इसको देखो, बार बार इसको रिवाइज करो, आपको समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा इंतजार आप और कर लो, हम डिटेल में इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं आपके पास। क्लियर है? तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को देखते हैं। ओके, हम इसके सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, ये है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, C डबल बॉन्ड O वाले कंपाउंड। तो मैं आपको पहले
वॉर्न कर दूं, बहुत प्यार से बहुत स्मूथली ये रिएक्शन हो जाता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है लिथियम एल्युमिना हाइड्राइड के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ एल्डिहाइड को। तो मैं आपको पहली बात बता दूं, बहुत स्मूथली रिडक्शन होता है, स्मूथली रिडक्शन, कोई ड्रास्टिक कंडीशन नहीं है, बहुत प्यार से रिडक्शन हो जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए हम एक, अब जैसे CH3 मान लो CH2 का होल 4 सी डबल बॉन्ड OH ले लिया हमने, हेक्सेनल ले लिया, ठीक है, और आपको क्या करना है, यहां पे लगाना है पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कहां बेटा, इसको इथर में यूज करना है, और क्या करना है आपको, हाइड्रोलिसिस करना है। आसानी से ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और हेक्सेनॉल बना लेगा, ठीक है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं, आसान सा इजी सा रिडक्शन था विदाउट एनी डाउट, पहली बात। दूसरी बात, मान लो अगर हम क्रोटोनल्डिहाइड लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH COH, इसको हम बोलते हैं क्रोटोनल्डिहाइड, जो कि अक्सर आपको एल्डोल के बाद डिहाइड्रेशन करने पर इवन सीवी मैकेनिज्म से बनता हुआ प्रोडक्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा पूछा गया इसको भी। अगर हम इसका सेम ऊपर वाले मैकेनिज्म के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू रिडक्शन करवाते हैं, तो आपको पता है ये डबल बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है इसको किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसे अनटच्ड रह जाएगा CH3CH CH, और ये जो CHO था ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, ठीक है, तो क्रोटोनल्डिहाइड क्रोटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी भी तरह का डाउट नहीं, ओके। लेकिन अब इसी में डबल बॉन्ड के साथ कुछ थोड़ी सी फेरबदल करने जा रहा हूं, और यहां पे मैं फिनाइल लगा देता हूं CH2CH C डबल बॉन्ड O, और मान लो H हमने यूज किया सिनेमल्डिहाइड, है ना। अब ये आपको काफी ज्यादा दिखता है इस तरह का प्रोडक्ट आपके परकिन रिएक्शंस के अंदर है, नोवांजल रिएक्शंस के अंदर है, कई कंडीशंस में आपको ये बनता हुआ दिखेगा। इसका रिडक्शन करवाएंगे तो ये तो रिड्यूस होगा ही होगा, साथ ही साथ मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड अगर कंजुगेशन में हो फिनाइल के साथ तो ये भी रिड्यूस हो जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रिंग जैसे का तैसे रह जाएगा और बन जाएगा CH2 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 OH, है ना, 3-phenyl propanol आपके पास फॉर्म होगा। तो तैयार रहना, क्या क्या, अगर मान लो हमारे पास एक और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कंपटीशन का, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और ET, और पूछा गया था सेम मैकेनिज्म के थ्रू प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, और यहां से ETOH निकल गया, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो बेटा ध्यान से। तो एक तो ये रिंग हमारे पास रह गया, यहां से हो गया CH2 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 OH, और साथ में निकल गया एक और प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट इथेनॉल। तो अगर हमारे पास सिनामिक एसिड है, सिनेमल्डिहाइड है, या हमारे पास सिनामिक एस्टर है, उस कंडीशंस में डबल बॉन्ड भी हमारा रिड्यूस हो जाता है, किसी भी तरह का डाउट यहां नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब कुछ और चीजें आपको यहां पर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास, जैसे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एसिटो एसिटिक एस्टर CH3CO, ठीक है, यहाँ पे हो गया CH2COOET, बोला गया था इसका रिडक्शन, ये भी कई बार कंपटीशन में आया, इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, आसान है, ये रहा बेटा हमारा कीटोन, और कीटोन के केस में मैं पहले ही बता चुका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, तो ये बना लेगा 2° अल्कोहल, और अगर हम इस तरफ से आ जाएं CO, ये बना लेगा 1° अल्कोहल, और ETO मीडिया के साथ ये बना लेगा 1° अल्कोहल, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया CH3, ये हमारे पास हो जाएगा CHOH, ठीक है, ये CH2 वैसे ही रह जाएगा CH2, ये C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो गया CH2OH के अंदर, और बाय प्रोडक्ट में निकल गया ETOH, ठीक है। बहुत तरह के केसेस हो सकते हैं, बहुत ही आसान आसान केसेस हैं, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था CH3CH3 और यहाँ पे COCH3 था, सेम प्रोसेस के थ्रू लाएंगे, कुछ नहीं है, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3CH CH3, ये हो जाएगा CHOH CH3, कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना। नाउ अब कई बार सी डबल बॉन्ड हो ना काफी सेंसिटिव होता है, जैसे कि मान लो अगर हम साइक्लो ब्यूटेनोन ले लेते हैं, ये बहुत ही सेंसिटिव सी डबल बॉन्ड हो, अगर हम इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहें तो इस सेंसिटिव सी डबल बॉन्ड ओ को भी ये रिड्यूस कर सकता है, और बहुत प्यार से, कोई भी नाटक नहीं है, बहुत आसानी से ये इसको रिड्यूस कर देगा और ये बना देगा आपका, यहां से लगेगा एच, यहां से लगेगा OH। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मीडिया को बदल के, यहां पे LiAlD4 और यहां पर H3O रखा गया है, एक बार यहां पे LiAlH4 और नीचे D3O+ रखा गया है, तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। तो हमने ये सीखा कि कार्बोनिल कंपाउंड को ये बहुत स्मूथली रिड्यूस करता है, ये एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, एस्टर को प्राइमरी
फ्री अल्कोहल में और साथ ही साथ एक छोटा सा अल्कोहल और भी बाय प्रोडक्ट में बनता है। ये एसीटो एसिटिक एस्टर को भी रिड्यूस कर रहा था, ये अनसेचुरेशन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जा रही थी, बिल्कुल नॉर्मल वे में काम कर रहा था। लेकिन वही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर कंजुगेशन में होगा फिनाइल के साथ, एक्सटेंडेड कंजुगेशन में होगा किसी दूसरे एरोमेटिक सिस्टम के साथ, उस कंडीशन में ये रिड्यूस हो जा रहा था, जो हमने सिनेमल्डिहाइड, सिनामिक एसिड और सिनामिक एस्टर के केस में देखा। हमने ये देखा कि ये सेंसिटिव सी डबल बॉन्ड ओ को भी बहुत प्यार से सेकेंडरी अल्कोहल में बिना रिंग को ब्रेक किए रिड्यूस कर देता है। बिल्कुल किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इस सेगमेंट की तरफ आते हैं। यहां पे बहुत ही क्लासिकल हम कुछ एसिड और उसके डेरिवेटिव को रिड्यूस करने जा रहे हैं, ये कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, तो बहुत ध्यान से देखना। ये एक कोर कंसेप्ट है, बहुत ही क्लासिकल कंसेप्ट है जेई मेंस एडवांस नीट एम्स बिटसेट और ओलंपियाड के लिए। ध्यान से समझो इस बात को। देखो, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एसिड और इसके डेरिवेटिव्स को ये कैसे रिड्यूस करेगा। तो जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन था, उसके अकॉर्डिंग हमारे हैं CH3CH2 का होल 14 COOH, ये 16 वाला एसिड है, इसको पामिटिक एसिड बोला जाता है, पामिटिक एसिड एल्स आइलैंड है, पामिटिक एसिड। अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे बिल्कुल वैसे ही लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इथर के साथ, और अगर हम यहाँ पे लेते हैं H3O प्लस, तो देखो क्या होगा, ये बन जाएगा CH3CH2 का होल 14 CH2OH, इसको बोलते हैं सिटाइल अल्कोहल। मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो पामिटिक एसिड को रिड्यूस करोगे आप, सिटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, चेन ब्रेक नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सा एसिड अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर। और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH ले लेते हैं, ये हमारे पास क्रोटोनिक एसिड है, ये हमारे पास क्रोटोनिक एसिड है, बिल्कुल ऐसे ही रिड्यूस इसको करोगे तो ये CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH क्रोटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कुछ नहीं होगा, डबल बॉन्ड जैसे था वैसे रहेगा। लेकिन अभी अभी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर हम यहां पे ही सिनामिक एसिड ले लेते हैं CH C डबल बॉन्ड OH, तो सिनामिक एसिड के केस में सीन बदलेगा, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है फिनाइल के साथ, तो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C6H5CH2CH2CH2OH हमारे पास फॉर्म हो गया। ऐसा ही हम एस्टर ले सकते थे, मान लो अगर हम C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और मान लो यहां पे हमने OCH3 ले लिया और हम सेम उसी मैकेनिज्म से रिड्यूस करवाएंगे C6H5CH2CH2CH2OH और प्लस हमारे पास बनेगा CH3OH, बिल्कुल क्लियर, किसी भी तरह का डाउट नहीं। आगे आते हैं, अब चलिए कुछ और हम लेते हैं एसिड डेरिवेटिव्स को। जैसे कि मान लो अगर हमने CH3COCl को ले लिया और सेम मैकेनिज्म से रिड्यूस करवाएंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। हम कुछ एनहाइड्राइड को भी ले सकते हैं CH3COOC डबल बॉन्ड O, और मान लो हमने ले लिया CH2CH3, सेम मैकेनिज्म से रिड्यूस करवाएंगे तो एक इधर से अल्कोहल, एक इधर से अल्कोहल बनेगा, तो हमारे पास बन जाएगा CH3CH2OH और एक अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2CH2OH, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लासिकल वे में रिडक्शन हो रहा है, अल्कोहल आ रहा है। अब कहानी यहां से बदलेगी, अमीन लिया जाए तो क्या होगा, तो बेटा ध्यान से देखना अमीन के केस में क्या होने जा रहा है। तो जैसे कि मान लो अगर मैं ले रहा हूं अमाइड के केस में RC डबल बॉन्ड O NH2, अगर हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो ये बना लेगा RCH2NH2, ये तो हो गया 1 डिग्री अमाइड। अगर हम 2 डिग्री अमाइड लेते हैं RCONH और मान लो R डैश, अगर हम इसका सेम मैकेनिज्म से रिडक्शन करवाएंगे तो COCH2 में कन्वर्ट होगा RCH2NH R डैश, हमारे पास 2 डिग्री अमीन फॉर्म होगा। ऐसे ही अगर हम 3 डिग्री अमीन लेते हैं RCON, यहां लिया R डैश और मान लो यहाँ R डबल डैश है, सेम मैकेनिज्म से रिड्यूस करवाएंगे तो ये बन जाएगा RCH2N, ये वैसे ही रह जाएगा R डैश R डबल डैश, तो 3 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 1 डिग्री अमीन, ये फॉर्म होता है अगर हम 1 डिग्री अमाइड का रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोलिसिस से, 2 डिग्री अमाइड का करवाते हैं सेम मैकेनिज्म से, 3 डिग्री अमाइड का करवाते हैं सेम मैकेनिज्म से, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं। अब कई बच्चों को लग रहा होगा ऐसा हुआ क्यों, क्या रीजन था इसका सर कि ऐसा हुआ, मैं आपको रीजन एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो होता क्या है, जैसे कि इसी का मान लो इसमें हुआ क्या, यहां पे कुछ ऐसा हुआ है कि H माइनस और आपका AlH3 था, ठीक है, तो H माइनस क्या किया, यहां से अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर गया, ठीक है, और लिथियम प्लस इसके साथ कनेक्ट होगा, तो ये हो गया RCOLi, ठीक है, ध्यान से देखना, और नीचे आके लग गया H और यहां पे है NH और यहां पे था R डैश,
अब होता क्या है, ये लोन पेयर अगर बैक आके इस OLi- को रिमूव कर देता है, हटा देता है, तो ये कुछ ऐसा केस बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH और यहां से हो जाएगा R और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इसके बाद क्या होता है, फिर से हाइड्राइड ये जो H- है ये बैक अटैक करता है, बॉन्ड शिफ्ट होता है और ये बनता है RCH2 और ये हो गया NHR। तो एक्चुअली इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में याद रहे या याद ना रहे, आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी हर एक केस में अल्कोहल 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 आ रहा है, लेकिन जैसे ही अमाइड आ जाएगा, चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, वो करस्पॉन्डिंग 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन आपको देता है। बिल्कुल किसी तरह का डाउट नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए, किसी तरह का डाउट नहीं। तो अगर आपको डाउट नहीं है तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, ये कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में आ चुका है। आप मुझे बताओ एसीटोनिलाइट का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। अब एसीटोनिलाइट क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर मान लो हमें बोला गया है C6H5NHCOCH3, इसको बोलते हैं एसीटोनिलाइट, इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, लिथियम एल्युमिनोहाइड्राइड इथर और H3O+ के प्रेजेंस में, बिल्कुल आसान, अभी तो मैंने बताया। तो अगर एसीटोनिलाइट का करोगे तो ये बना लेगा C6H5NH, वैसे ही रह जाएगा, ये बन जाएगा CH2CH3, बिल्कुल आसान है, CO को सिर्फ CH2 में कन्वर्ट ही तो कर देना था। तो हमारे पास बन जाएगा एसीटोनिलाइट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा N-ethyl-aniline। तो N-ethyl-aniline बनता है जब हम एसीटोनिलाइट का रिडक्शन करवाते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन था, कितना आसान था, आसानी से बन गया ना। इन सारे कांसेप्ट को दिमाग में घुमाते रहो और डेली प्रैक्टिस करो, ये सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। क्योंकि आप देख रहे हो जेई और मेडिकल फ्लैट क्वेश्चन पूछ रही है, सीधा रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको ये रिएजेंट के रोल बिल्कुल दिमाग में सेट होने चाहिए ताकि किसी भी तरह का नेगेटिव ना हो सके। तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं और ये है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की दुखती हुई रग। क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कोई एक कंपाउंड को किसी एक रिएक्शन से गुजारा गया और उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को लगाया जाता है, तो ये देख के हमारे पसीने छूट जाते हैं। बच्चे यहां पे फंसते हैं, ये पर्सनल अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूं, जब नाइट्रो का या अजाइड्स का या ऑक्सिम्स का या नाइट्राइल का रिडक्शन करने के लिए आता है, ये दुखती हुई रग है। तो बेटा इसको ध्यान से सुनो और प्लीज प्रॉमिस करो कि आप मुझसे ये गलती नहीं करोगे, ध्यान से इसको समझना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रो कंपाउंड्स की तरफ, जो कि इस बार पूछा गया है जेई मेंस के दो अलग अलग स्लॉट में। डायरेक्टली नाइट्रो का रिडक्शन करवाएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इथर के प्रेजेंस में, फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा। तो गलती नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम, ध्यान से देखो। अगर मान लो अगर हमने ऐसा सिस्टम लिया है, यहां पे नाइट्रो लगाया और अगर हम यहां पे यूज कर रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इथर के प्रेजेंस में फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो बेटा ये नाइट्रो सीधा अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा बिना किसी हेडेक के। अगर हम इस तरह से नाइट्रो को लगा के सेकंड पोजीशन पे 2-nitropropane लेते हैं, सेम कंडीशन पे हम रिडक्शन करवाएंगे, तो सीधा नाइट्रो अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। लेकिन अब रुको, अगर यहीं पे तुम नाइट्रोबेंजीन लेते, अगर यहां पे बेटा आप नाइट्रोबेंजीन लेते और सेम रिडक्शन करवाते, तो सिनेरियो चेंज था। मैं रैंक बूस्टर के सीरीज में ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये केमिस्ट्री ओलंपियाड में पूछा गया है और IIT रुड़की जब JEE करवाती थी तब भी पूछा गया है, ये कई प्रीवियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ये AMU JMIE का भी क्वेश्चन है, IPO में भी पूछा गया है, तो ये बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है। तो यहां पे जब हम नाइट्रो का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में करवाएंगे ना बेटा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट पास देगा एजोबेंजीन। तो याद रखना, नाइट्रोबेंजीन के केस में प्रोडक्ट एनिलीन नहीं बनता है, ये एजोबेंजीन बना लेता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। किसी भी तरह का आई थिंक डाउट नहीं रह गया होगा। आगे आते हैं, ये तो हो गया पहला केस नाइट्रो का अजाइड, जैसे कि मान लो CH3CH2N3। कई बच्चों को लग रहा होगा ये क्या है, बताओ बेटा इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल अजाइड, दिस इज नोन एज इथाइल अजाइड। ये एक्चुअली कब बनता है, जब आप इथेनॉल का रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड, क्योंकि बहुत ही पॉइजनस एसिड है, टॉक्सिक एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड N3H के साथ आप करवाते हो, तब ये बनता है। बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, इसका रिडक्शन जब हम करवाएंगे तो CH3CH2NH2 देगा। अभी मैं कंक्लूजन पे आऊंगा, ध्यान से देखना, ये था अजाइड। इसके बाद आता है
ऑक्सिम्स पे। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे CH3CH और मान लो इधर से हो गया डबल बॉन्ड NOH, ये हमारे पास है एसिटल डॉक्सिन, दिस इज एसिटल डॉक्सिन। अब बेटा ये सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, कैसे पूछेगा आपको बता देगा कि ऐसे कि CH3C डबल बॉन्ड OH इसका रिएक्शन करवाने के लिए दे देगा NH2H हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, बना देगा प्रोडक्ट A, इसके बाद लिख देगा लिथियम एल्युमिनाइड इथर और H3O+, बोलेगा B क्या है, तो आपको पता है इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये इलिमिनेशन कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट है, तो यहाँ से H2 यहाँ से O चला गया तो यही बनेगा एसिटल डॉक्सिम। अब इसका रिडक्शन करवा देंगे, आसान है, CH3CH2NH2 हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। एक बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन पूछा गया था C6H5, ठीक है, C6H5 डबल बॉन्ड NOH, बोला गया था इसका रिडक्शन जब हम करवाएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन इथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो क्या बनेगा, इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है बेंजोफिनोनोक्सिम्स, दिस इज नोन एज बेंजोफिनोन ऑक्सिम्स, ये भी वैसे ही बनता है डाइफिनाइल कीटोन का रिएक्शन जब आप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाओगे तो बेंजोफिनोन ऑक्सिम बनेगा, बिल्कुल आसान है, प्रोडक्ट है C6H5 और यहाँ से हो गया CH और यहाँ से हो गया NH2, हमारे पास बनेगा इसका नाम बताओ क्या है, इसका नाम है डाइफिनाइल मिथाइल अमीन, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्राइल साइनाइड, तो देखो बेटा यहाँ पे ट्विस्ट है, मैं पहले से ये लोचा आपको समझा चुका हूँ, साइनाइड के साथ दो बातें हैं, पहली बात अगर हम रिएक्शन को रुक जाओ असुविधा के लिए खेद है अगर रिएक्शन को हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ इन इथर में H3O+ और -55 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाएंगे तो ये बन जाएगा CH3CHO, अगर सेम प्रोसेस RTP पे या थोड़ा हायर टेम्परेचर एलिवेटेड 60 के आसपास करवाएंगे तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2 बन जाएगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, रिडक्शन कैसे कैसे करवाएंगे, नाइट्रो का करवाएंगे तो क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन के केस में कैसे एक्सेप्शन आ रहे हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करवा के ऑक्सिम्स बना के आपको दे सकता है, एसिटल डॉक्सिम एसिटॉक्सिम है ना, आपका बेंजल डॉक्सिम दे सकता है, तो इस तरह के कई ऑक्सिम्स दे देंगे और आपको बोला जाएगा रिडक्शन करवाने पे क्या। देखो कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन बात है, चाहे हमारा नाइट्रो हो, चाहे हमारा अजाइड हो, चाहे हमारा ऑक्सिम्स हो, चाहे हमारा नाइट्राइल्स हो, ये सब के सब अमीन्स देते हैं, सब के सब अमीन्स बनाते हैं। कहाँ पे कहानी हमारी रुक गई, नाइट्रोबेंजीन के केस में थोड़ा अलग हुआ है और जब हम नेगेटिव टेम्परेचर पे साइनाइड का करवा रहे थे तब थोड़ा अलग हुआ था, अदरवाइज बाकी रेस्ट सारे केसेस के अंदर अमीन बनते हैं। कॉन्फिडेंस आ रहा है तो सीख रहे हो, तो सीखना ही मेन पर्पस है। देखो बेटा जो जनवरी में जिन बच्चों ने ऐसी छोटी छोटी गलतियां की हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप अप्रैल में ऐसी गलती करो, और जो बेटा आप नीट में अपियर होने जा रहे हो अप्रैल में, तो प्लीज आप ऐसी गलती मत करना, इनको सीखो समझो कंसेप्ट को बिल्डअप करो, क्लियर है, तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके लास्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला अंत भला तो सब भला, इस पार्ट को भी ध्यान से देखो और सीख लो, क्या पता यहां से ही पूछ दिए जाए। अब ये कुछ बेसिक चीजें हैं जहां पे ना अटकती है बात, क्या कई बार हमसे पूछा जाता है हैलाइड का रिडक्शन करवाने पे क्या होगा, तो हम सोचने लगते हैं अरे यार ये एल्डिहाइड का करता है, कीटोन का करता है, एसिड एस्टर अमाइड एनहाइड्राइड सबका कर दिया, क्या हैलाइड का भी करेगा, तो आंसर है यस मेरे भाई, हैलाइड का भी रिडक्शन करेगा बहुत प्यार से। तो हम सीखते हैं हैलाइड का रिडक्शन कैसे करेगा, तो देखो बेटा अगर आपके पास हैलाइड कैसा भी हैलाइड क्यों ना हो, जैसे CH3 है CH2 BR है, और अगर आप यहां पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इथर के साथ एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे आराम से इथेन बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा होता है बनता है। अगर हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं तो और हम लगते हैं ये सेम कंडीशन, नो डाउट बेंजीन यहाँ पे बनता। तो हमने क्या सीखा कि हैलाइड कैसा भी हो ये उसको एल्केन में या एरीन्स के में आसानी से कन्वर्ट कर सकता है, ये एग्जांपल्स रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और हमारे पास बहुत क्लासिकल अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इपॉक्साइड, तो चलिए हम एक इपॉक्साइड ले लेते हैं, जैसे कि मान लो CH3CH CH2 इपॉक्साइड ऑक्सीडेंस जो इसको आप बोलें, तो ये हमने ले लिया।
अब यहां पे क्या होता है, जो हाइड्राइड होता है ना, ये लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करता है। देखो यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो ये यहां अटैक करता है और बॉन्ड को पीछे की तरफ शिफ्ट करवाता है। तो ये हाइड्राइड कहां से आया बेटा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आया है। तो हमारे पास क्या बन गया, CH3 बन गया, CH बन गया, O- बन गया, और यहां से CH3 आ गया। इसके बाद मीडिया अपना रोल निभाएगा और एक सेकेंडरी एल्कोहल 2-propanol फॉर्म होगा, और ये मेजर प्रोडक्ट है। तो बेटा एग्जाम में कहानी को मत फंसा देना, यहाँ पे प्लीज 2 degree बनाना, आपको ऑप्शंस में 1 degree भी दिख जाएंगे। मेजर प्रोडक्ट है, अप्रॉक्सीमेटली 84% बनता है इस कंडीशन के अंदर। तो बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल था इपॉक्साइड का। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, और वो क्या है, ये एग्जाम्पल्स है कि क्या होगा अगर हम ड्यूटेरियम को इंट्रोड्यूस करें। यस, बिल्कुल पॉसिबल है, आप ड्यूटेरियम को बहुत आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे क्लासिकल एग्जांपल था जब हमने साइक्लोहेक्सेनॉन लिया था और हमने यहाँ पे यूज़ किया था LiAlD4 और यहाँ था H3O+, और पूछा गया था प्रोडक्ट क्या होगा। देखो बहुत आसानी से आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो यहाँ पे भी ड्यूटेरियम को। कैसे, आपको पता है यहाँ से D- आएगा, D- अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहां से हमारे पास क्या ऐड हो गया, यहां से ऐड हो गया D, यहां हो गया O-, इसके बाद आएगा हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद बेटा यहां पे आ जाएगा क्या, OH आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा D। ये रहा हमारा प्रोडक्ट। बताना किसी भी तरह का डाउट रहा, पूरे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को आपने डिटेल में सीख लिया, हमने ऑलमोस्ट जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे उनको रिड्यूस करके देख लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कहाँ कहाँ ये कैसा कैसा रोल निभाता, ये सारी चीज़ें माइक्रो टू मैक्रो लेवल पे थी। और बेटा मैं आपको बता दूँ, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ जेई मेन्स या नीट में ही काम नहीं आएगी, अगर आप एडवांस में पहुँचोगे एडवांस में भी ये चीज़ें लगेगी, एम्स में भी लगेंगी आपको, अगर केमिस्ट्री ओलंपियाड्स में जा रहे हो तो वहाँ ये चीजें लगेगी। ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो रिएजेंट बेस्ड हैं, जहां रिएजेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आता है, और ये इसका डिटेल एप्लीकेशन था। उम्मीद है ये एफर्ट आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है ना, ठीक है, तो समझ में आया ना हमारा एफर्ट, बढ़िया आपको लगा है तो प्लीज लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी और रिदम के साथ, तब तक जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।